अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, Realme C25s वाला फ़ोन क्या इसे बाय करना चाहिए। 21,000 इसकी प्राइस है जो कि 3-4 दिन तक ही आपको मिलेगी। 26 अगस्त से 30 अगस्त तक इसकी ये प्राइस है और उसके बाद 22,999 रुपीज़ ये कर सकते हैं, जो कि अभी इन्होंने कम करके 21,999 लगा रखी है। तो क्या इस वाले फ़ोन को 21,000 में बाय करना चाहिए? अगर आप टेक्नो पावर 2 का भी वेट कर रहे थे तो उसको क्या स्किप कर देना चाहिए? अपना ओपिनियन भी आपसे शेयर करूँगा। तो इस वाले फ़ोन में कोई ख़ास है भी नहीं। अगर आप डिस्प्ले डिजाइन वगैरह देखें तो 720p रेजोल्यूशन वाला वाटर ड्रॉप नोच वाला इसमें डिस्प्ले मिलता है, काफी ब्राइट है, वैसे डे लाइट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। और 1080p रेजोल्यूशन वाले डिस्प्ले भी इस प्राइस में कुछ ब्रांड दे रहे हैं, लेकिन इसी रेजोल्यूशन के साथ भी काफी ब्रांड देते हैं डिस्प्ले, लेकिन डिजाइन के मामले में कोई चेंज नहीं है। रियलमी C21 वाला फोन पहले से जो पाकिस्तान में मिलता है उसी जैसा बैक पे डिजाइन दिया गया है। बैक पे रियलमी की ब्रांडिंग मिलती है, पॉलीकार्बोनेट की बैक है, प्लास्टिक फ्रेम के साथ जाता है और फ्रंट पे कॉर्निंग ग्रीला ग्लास की सपोर्ट है। एंड्रॉइड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें मिलता है Realme UI 2.0 के साथ। तो परफॉर्मेंस इसमें कैसी मिलेगी? अगर आप गेमिंग के लिए भी इस फोन को लेना चाहते हैं तो 21,000 में आपको पहले भी अच्छे फोन मिल जाते हैं, टेक्नो स्पार्क 7 प्रो वगैरह। इसमें MediaTek G85 वाला चिपसेट है, G80 और G85 कोई खास फर्क नहीं है इनमें। 2,00,000 के अराउंड इसके एंटीटू स्कोर आते हैं, 4GB इसमें रैम है, 64GB स्टोरेज और 128GB स्टोरेज के साथ भी इसका ऑप्शन आता है। LPDDR4X वाली इसमें रैम है और EMMC 5.1 वाली स्टोरेज टाइप है। इन कैमरे इसकी बैक पे हैं, 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और 2 मेगापिक्सल के दो सेंसर हैं। 1080p 60fps में बैक कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, मैक्सिमम 8 मेगापिक्सल का इसमें सेल्फी कैमरा मिलता है। Wi-Fi 5 है, ब्लूटूथ 5.0 वाला इसमें, टाइप सी वाला चार्जर है, फिंगरप्रिंट स्कैनर बैक पे है, जायरोस्कोप की हार्डवेयर ली इसमें सपोर्ट नहीं मिलती। तो गेमिंग वाला चिपसेट तो लगा दिया है लेकिन सेंसर जायरोस्कोप हार्डवेयर ली नहीं मिलता इसमें, ये भी आपको पता हो पहले से। 6000mAh की इसमें बैटरी मिलती है और 18W का इसमें फास्ट चार्जर है। तो इधर फर्क आपको ये मिलेगा कि टेक्नो स्पार्क 7 प्रो आप ऑफलाइन मार्केट में जाके बाय कर सकते हैं, जिधर आपको 21,000 तो उसकी प्राइस है, डिस्काउंट वगैरह मिलके 20,000 से कम की प्राइस में मिल जाता है। तो Realme C25s वाला ये वाला फोन सिर्फ आपको दराज पे मिलेगा, जिधर अभी कंफर्म प्राइस है 30 अगस्त तक। तो ऑनलाइन आपको डिस्काउंट इतना नहीं मिलता और इतनी ज्यादा प्राइस कम भी नहीं है कि आपको मैं रिकमेंड करूं ये वाला फोन बाय कर लें। अगर गेमिंग के लिए लेना है तो आपको अभी वेट ही करना चाहिए। तो टेक्नो पावर 2 7000mAh की बैटरी के साथ आएगा और उसकी प्राइस भी 20,000 में मुश्किल से यह आए, 20-23,000 की प्राइस में वो भी आपको ऑफलाइन मार्केट में मिलेगा। 25,000 में आपको फोन मिलता था टेक्नो कैमन 15 वाला, वो वाला ले सकते हैं। टेक्नो स्पार्क 7 प्रो भी एक अच्छा ऑप्शन है, 20,000 के अराउंड आपको मिल जाएगा या इससे प्राइस कम या ज़्यादा में भी मिल सकता है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो आपका क्या ओपिनियन है इस फोन को लेकर कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।